हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेप। स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स फॉर फेस वन क्वांट फॉर नबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी 2019, लेक्चर 8, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1। टाइम एंड डिस्टेंस भी काफी बड़ा चैप्टर है, जैसे टाइम एंड वर्क के मैंने दो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे। आज टाइम एंड डिस्टेंस का हम पहला लेक्चर कर रहे हैं, इसके भी मैं दो या तीन पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व किए जाएं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में बता देना चाहता हूं। एक्सीलेंट रिजल्ट्स बाय एडुटैप 2017 और 18 के फाइनल सिलेक्शन आप लोगों के सामने, आरबीआई ग्रेड बी एंड नबार्ड ग्रेड ए के। और अगर हम 2018 में सेबी ग्रेड ए की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो 41 है आउट ऑफ 84, तो बहुत शानदार रिजल्ट एडुटैप की तरफ से रहा है। आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो जो इंटरव्यू कॉल्स आई है 100 प्लस स्टूडेंट्स एडुटैप के हैं जिन्होंने फाइनल इंटरव्यू फेस किया। अब स्टूडेंट, अगर इंडिविजुअल कोर्स की बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए, आरबीआई असिस्टेंट एंड आईबीपीएस एएफओ का फुल वीडियो कोर्स आप लोग परचेस कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं तो बहुत शानदार वीडियो कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा। कॉम्बो कोर्स की बात करें स्टूडेंट, जो स्टूडेंट दो या दो से ज्यादा एग्जाम को टारगेट करते हैं तो उनके लिए कॉम्बो कोर्स है एडुटैप के पास। पहला कॉम्बो कोर्स आप लोग देख सकते हैं, आरबीआई ग्रेड बी प्लस नबार्ड ग्रेड ए प्लस सेबी ग्रेड ए। दूसरा कोर्स आप देख रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट आरबीआई ग्रेड बी या प्लस नबार्ड ग्रेड ए को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए बहुत शानदार कोर्स होगा। सेबी ग्रेड ए प्लस आरबीआई ग्रेड बी या नबार्ड ग्रेड ए प्लस सेबी ग्रेड ए को अगर कोई टारगेट कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छे कोर्सेज यहाँ पे कॉम्बो कोर्स आप लोग ले सकते हैं। अगर मैं अपने नए कोर्स की बात करूं तो नया कोर्स हमारा है क्यूआरई कोर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश। आप कोई भी बैंकिंग का एग्जाम देने के लिए जाए, कोई भी, वहां से आप वहां पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और आजकल जैसे कि देख रहे हैं कि एग्जाम का लेवल काफी हाई हो चुका है, क्वांट के क्वेश्चन आसान नहीं आते, रीजनिंग के क्वेश्चन आसान नहीं आते और इंग्लिश भी बहुत टफ पूछी जाती है, तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्यूआरई कोर्स बनाया है। बहुत शानदार कोर्स है, ठीक है। लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो कोर्स होगा क्वेश्चन इंग्लिश में ही होंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सारे डिस्कस किए गए हैं यहां पे, आपको सेक्शन टेस्ट भी बहुत सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज आपको दो मिलेगा, लेवल वन और लेवल टू, मतलब पहले बेसिक लेवल फिर हाई लेवल। उसके बाद 100 एमसीक्यूज मिलेंगे हर एक चैप्टर के। कितने एमसीक्यूज मिलेंगे? 100 एमसीक्यूज लेवल वन लेवल टू के। लेवल वन में 50 MCQs, लेवल टू में भी 50 MCQs। और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। DI भी उसी चैप्टर की कराई गई है, उसी चैप्टर के अंदर, और फिर अलग से भी कराई गई है, मतलब कुल मिलाके बहुत शानदार कोर्स आपको मिल जाएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। थोड़ा सा सोचिए, कोई इक्वेशन आपने नहीं बनानी है, क्योंकि जो क्वेश्चन बिना इक्वेशन के सॉल्व हो सकते हैं उन्हें हम बिना इक्वेशन के सॉल्व करेंगे, और जो इक्वेशन के साथ सॉल्व हो सकते हैं उस इक्वेशन से। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 96 किलोमीटर। दो पॉइंट है मेरे पास ए एंड बी, जिनके बीच का डिस्टेंस मुझे दिया गया है, ये ए है ये बी है, इनके बीच का डिस्टेंस मुझे कितना दिया गया है? 96 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब आगे कह रहा है, टू पर्सन पी एंड क्यू हैविंग सेम स्पीड, हैविंग स्पीड 50 किलोमीटर पर आर एंड 70 किलोमीटर पर आर स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी। अब दो बंदे यहां से स्टार्ट किया, एक पी है और दूसरा कौन है? क्यू है। अब पी की जो स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है? 50 किलोमीटर पर आर, और क्यू की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आर। अब आगे क्या कह रहा है? क्यू रीचेस बी, क्योंकि क्यू तेजी से चलेगा, स्पीड ज्यादा है तो पहले बी पे पहुंच जाएगा, एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट पी एट द डिस्टेंस एक्स किलोमीटर फ्रॉम बी, फाइंड एक्स। क्वेश्चन समझना ध्यान से क्या कह रहा है, तभी जब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ पाएगा। मतलब ये क्या कह रहा है कि भाई जो क्यू है, क्यू ए से बी पे पहुंचा, क्यू क्या हुआ? ए से बी पे पहुंचा और यहां से वापस हुआ, और यहां कहीं इस पॉइंट पे जो कि x किलोमीटर दूर है b से, यहां पे किससे मिला है? p से। मतलब p और q यहां पे है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप लोगों को यह जरूर पता होना चाहिए कि अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के, अगर टाइम कांस्टेंट है। और यहां पे टाइम कांस्टेंट है कैसे? जैसे, अब बात ध्यान से सुनना,
जितनी देर में क्यू, जितनी देर में क्यू कहां से ए से बी पे पहुंचा और फिर बी से वापस इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं कोई सी पॉइंट, उतनी देर में पी जो है वो ए से सी पे पहुंचा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये इसमें कोई डाउट टाइम सेम है या नहीं है? मतलब जितनी देर में क्यू ए से बी पे पहुंचा और पी से बी से फिर वापस सी पे पहुंचा, उतना ही टाइम लिया किसने? पी ने ए से सी पे पहुंचने में। इतनी बात समझ में आई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसे इक्वेशन के थ्रू भी किया जा सकता है और सिंपल भी किया जा सकता है। कैसे? सिंपल, सुनो ध्यान से। अगर पी एंड क्यू के स्पीड के रेशियो की बात करें तो आप देख रहे कि रेशियो कितना बनेगा, 5:7, 50 और 70 है। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा, कितना? 5:7 ही होगा या नहीं होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि पी ने 5 पार्ट डिस्टेंस कवर किया है और क्यू ने 7 पार्ट डिस्टेंस कवर किया है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है या नहीं है? मतलब अगर मैं एक बात कहूं, अब लो आप लोग ध्यान से समझना कि जो ए से सी तक की डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 पार्ट। ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है? 5 पार्ट, क्योंकि ए से सी तक की डिस्टेंस किसने कवर की है? पी ने कवर की है। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? और अगर यहां से ये कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। और क्यों ने कितना पार्ट कवर किया? अगर देखा जाए तो क्यों ने कितना पार्ट कवर किया है? 7 पार्ट कवर किया है। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? मतलब यहां से ए से सी तक तो क्यों भी 5 पार्ट कवर कर रहा है, आगे ये जाने में बी तक और बी से वापस सी तक आने में 2 पार्ट कवर कर रहा है, तभी तो 7 पार्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मतलब 1 पार्ट जाने में कवर कर रहा है और 1 पार्ट आने में कवर कर रहा है। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? तो जो टोटल डिस्टेंस है, अगर उसकी मैं बात करूं, टोटल डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना पार्ट हो जाएगा? 5 + 1। भाई 5 तो ए से सी और सी से बी तक कितना पार्ट निकाला अभी हमने? 1 पार्ट निकाला या नहीं निकाला? तो 6 पार्ट। अब इस 6 पार्ट की वैल्यू मुझे दी गई है टोटल कितनी? 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप देखिए, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं ये जो एक्स है, ये एक्स कितना आया मेरा? 1 पार्ट ही तो आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 किलोमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिना इक्वेशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको थोड़े से बेसिक आने चाहिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तभी क्वेश्चन के आंसर आ पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ ए स्टीम इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी वैगन। बिना किसी डब्बे के जो इंजन की स्पीड है वो कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? अब आगे क्या कह रहा है? द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड। तो जो स्पीड का डिक्रीमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट नंबर ऑफ वैगन के। एक्स को मैं क्या कह देता हूं? वैगन। एक्स को नंबर ऑफ वैगन हम लोग मान लेते हैं। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अब भैया आगे कह रहा है, इफ 4 वैगन आर अटैच्ड विद इंजन स्पीड बीकम 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन विच आर अटैच्ड विद इंजन सो दैट इंजन कैन कैरी। मतलब आप एक बात समझना, यहां पे इंजन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने वैगन लगाए जा सकते हैं जिससे कि इंजन चलता रहे। बात समझ में आई ना? इंजन चलता रहे, रुके नहीं, ठीक है? अब यहां पे बात सुनो ध्यान से, अगर ये मैं यहां पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो जो स्पीड का डिक्रीमेंट है वो डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा एक कांस्टेंट के, मान लेते हैं अंडर रूट एक्स। ये हुई इक्वेशन 1। आप लोग ऐसे ही तो करते आए हमेशा से। अब ये कह रहा है कि अगर स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाए, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाए कब? जब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो मतलब स्पीड कितनी डिक्रीज हो रही है? अगर स्पीड 4 डिक्रीज हो रही है, के कांस्टेंट है, कब? जब नंबर ऑफ वैगन कितने हैं? 4। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? अब एक बात सुनो, अब यहां पे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत अच्छा हो चुका है। मुझे स्पीड जो है 0 करनी है। अगर स्पीड 0 करनी है तो कितना डिक्रीमेंट करना पड़ेगा? 24 किलोमीटर पर आवर का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अब मैं 24 किलोमीटर पर आवर डिक्रीमेंट करना चाहता हूं, ठीक है? के
अंडर रूट एक्स, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो 24 डिक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू 2 आ चुकी है, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, ये 12 टाइम्स कट हो गया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144। अगर 144 वैगन होंगे, 144 वैगन होंगे तो स्पीड क्या होगी, जीरो, एकदम रुक जाएगी ट्रेन। लेकिन इसने कहा है कि ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए, ट्रेन चलती रहनी चाहिए, तो बताइए नंबर ऑफ वैगन कितने होंगे मैक्स। तो 144 तो नहीं हो सकते, यहां से एक वैगन हटाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन को रुकना नहीं है, चलते रहना है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, 143। और इसका आंसर था भी 143 ही। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, समझ में आई बात या नहीं आई बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, द बसेस आर डिपार्चर्ड आफ्टर 20 मिनट, बट मैन गोइंग अवे फ्रॉम द बस डिपोर्ट After every 24 minute get the buses. Find the speed of bus if the speed of man is 30 km per hour. बात समझ में आई? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि यहां पे आप एक बस टर्मिनल मान लीजिए, यहां पे एक आप क्या मान सकते हैं, बस टर्मिनल। अब यहां से हर एक 20 मिनट के बाद, हर एक 20 मिनट के बाद बस निकलती है। कितनी देर के बाद? हर एक 20 मिनट के बाद बस निकलती है। अब एक बंदा इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है यहां पे, ठीक है, ये यहां पे खड़ा हुआ है। अब पहली बस इसे मिली, ठीक है, और अगर ये यहीं पे खड़ा होता तो दूसरी बस इसे 20 मिनट के बाद ही मिलती। लेकिन हुआ क्या कि ये यहां से चलता हुआ जा रहा है और दूसरी बस इसे यहां पे कहीं मिली है। कितनी देर के बाद? 24 मिनट के बाद। कितनी देर के बाद? 24 मिनट के बाद। मतलब जो बस है वो यहां से यहां तक पहुंचती है 20 मिनट में, यहां से यहां तक पहुंचती है कितनी देर में? 20 मिनट में। अब ध्यान से देखना, और बस यहां से यहां तक पहुंचती है 24 मिनट में। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, जो मैन है वो ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? 24 मिनट ही लेता है, तभी तो 24 मिनट के बाद मिली है। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहां पे एक बात सुनो, अगर ए से बी मैन 24 मिनट ले रहा है तो ए से बी बस पहुंचने में कितना टाइम लेगी? 4 मिनट लेगी या नहीं लेगी? बताओ 4 मिनट लेगी या नहीं लेगी? बिल्कुल 4 मिनट लेगी। आप खुद देख लीजिए कि भाई यहां से यहां तक तो 24 मिनट है, यहां से यहां तक 20 मिनट है, तो ये वाली डिस्टेंस 4 मिनट में कवर होगी या नहीं होगी? मतलब अगर यहां पे बात समझी जाए, जो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है यहां पे, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, और अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होती है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। मतलब जो डिस्टेंस मैन, यहां पे मैन और बस की बात होती, जो डिस्टेंस मैन 24 मिनट में कवर कर रहा है वही डिस्टेंस बस जो है 4 मिनट में कवर कर रही है। तो अगर बात करें टाइम के रेशियो की, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 6:1। अगर टाइम का रेशियो 6:1 है तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:6। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? और 1 की वैल्यू मुझे दी गई है, 1 की वैल्यू, मैन की वैल्यू मुझे दी गई है, ठीक है, कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 किलोमीटर पर आवर। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस के काफी सारे क्वेश्चन सिर्फ इससे किए जा सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट हो या डिस्टेंस कांस्टेंट हो या स्पीड कांस्टेंट हो। ठीक है, बस ये 3 केस आप लोग देखते चलिए और क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए पहले, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एट ए सर्टेन टाइम विद ए सर्टेन स्पीड टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM। वन डे हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट द ऑफिस एट 3 PM एंड स्टार्ट वॉकिंग टू होम विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड मीट द बॉय इन द वे हु लेफ्ट हिज होम एट हिज यूजुअल टाइम। दे रीच्ड होम 20 मिनट अर्लियर देन देयर यूजुअल टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉय। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन देखो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी से आगे, अभी आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास तक, तब तक ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तब तक क्या है ये आपके लिए? होमवर्क। ये काफी शानदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा,
और इसका आंसर जब तक आप मुझे कमेंट में बताएं, अगली क्लास में मैं पक्का इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं, ठीक है, जो कि कल ही होने वाली है, तो वहां पे भी मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि जब तक आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और एक बार मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है। मैं ही कराऊंगा सारे क्वेश्चन, तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए फादर पिक्स अप ए चाइल्ड एट 3:30 PM फ्रॉम स्कूल। वन डे चाइल्ड लेफ्ट एट 2:30 PM एंड स्टार्ट टू वॉक एट द स्पीड ऑफ 6 km/h एंड मीट्स हिज फादर ऑन द वे एंड दे रीच होम 24 मिनट अर्ली। फाइंड द स्पीड ऑफ द फादर। यहाँ पे मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, सेम जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है वो सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा और वो क्वेश्चन आपने मुझे ऑप्शन में आंसर बताना है, जिससे कि आपको अभी का अभी एक ट्रिक पता चल जाए, एक कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए, जिससे आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। अब ध्यान से सुनना। अब ए फादर पिक अप ए चाइल्ड एट 3:30 PM फ्रॉम स्कूल। ये आप मान लीजिए ये होम है, यहां पे ये क्या है, घर है, ठीक। ध्यान से देखना सारी चीजें, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये यहां पे क्या है, स्कूल है। ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते? हमेशा 3:30 पे जो है ये पिक करते थे, हमेशा 3:30 पे पिक करते थे, लेकिन एक दिन जो उसका बच्चा है वो 2:30 पे ही स्कूल से निकल लिया। किस टाइम पे? यहां से किस टाइम पे निकल लिया? 2:30 पे। 2:30 पे, बात समझ में आई या नहीं आई? 2:30 PM पे, जबकि ये डेली निकलता था 3:30 PM पे, और ये चल दिया कितनी स्पीड से? 6 km/h की स्पीड से। अब क्या हुआ कि उसके फादर उसे रास्ते में मिले और वापस घर की तरफ चल लिए, और घर वो आज 24 मिनट पहले पहुंच गए। अब यहां पे ध्यान से सुनना, मान लो इस पॉइंट पे कहीं इसके फादर इसे मिल गए, ठीक है। ये यहां पे पॉइंट है एक ए, ये बात सुनना, ये पॉइंट है यहां पे बी, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं सी। अब हुआ क्या कि डेली जो फादर है वो घर से कहां तक जाना पड़ता था? स्कूल तक जाना पड़ता था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, स्कूल तक जाना पड़ता और फिर उसे वापस आना पड़ता, यही तो कहानी थी या नहीं थी? लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज क्या हुआ कि फादर को सिर्फ पॉइंट ए तक जाना पड़ा और फिर ये यहां पे वापस आ गया। मतलब ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक की, ये आज फादर ने कवर नहीं की, और ये डिस्टेंस कवर नहीं की जिस वजह से उसका कितना टाइम बच गया? 24 मिनट उसने बचा ली, अर्ली पहुंच गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 24 मिनट अर्ली पहुंचने का मतलब ये हुआ कि उसके फादर को ए से सी तक पहुंचने में हमेशा कितना टाइम लगता था? 12 मिनट। कितना टाइम लगता था? 12 मिनट। और वापस इस पॉइंट पे आने पे भी हमेशा कितना टाइम लगता था? 12 मिनट। तभी तो उसने 24 मिनट बचा ली। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। जब जो फादर है वो पॉइंट ए पर पहुंचते हैं, हमेशा ही पॉइंट ए पर पहुंचते हैं, तो कितना टाइम होता है, क्या टाइम हो चुका होता है? बात समझना ध्यान से, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा। हमेशा 3:30 पे यहां पहुंचते थे, 3:30 पे यहां पहुंचते थे, और 12 मिनट पहले कौन से पॉइंट पे होते थे? ए पॉइंट पे होते थे हमेशा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर मैं 3:30 में से 12 मिनट माइनस कर दूं तो हमेशा 3:18 PM पे जो फादर है वो पॉइंट ए तक पहुंच जाते थे। कितने पे? 3:18 पे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? कितने पे? 3:18 PM पे। तो आज भी ये 3:18 PM पे ही पहुंचे होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब फादर जो डिस्टेंस 12 मिनट में कवर कर रहे हैं, तो उसका जो बेटा है उसे ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, जबकि आज वो 2:30 पे ही चल चुका है। किस टाइम पे? 2:30 पे ही चल चुका है, लेकिन पहुंचा यहाँ पे 3:18 पे ही है। किस टाइम पहुंचा यहाँ पे? 3:18 पे ही है। मतलब कुल मिला के कितना? 48 मिनट। तो जो डिस्टेंस 12 मिनट में कवर की गई थी फादर के द्वारा, वही सन ने 48 मिनट में कवर की। मतलब अगर यहां पे टाइम के रेशियो की बात की जाए तो कितना आएगा? 1:4 आएगा। तो अगर स्पीड के रेशियो की बात करेंगे तो कितना आएगा? 4:1 आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई?
क्लियर है, क्योंकि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट लेके हम चल रहे हैं, और जो इसका सन है चाइल्ड है उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आर है, मतलब वन पार्ट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आर है, तो फोर पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आर। बताइए समझ में आई बात या नहीं, तो आंसर क्या होगा 24 किलोमीटर पर आर। अब मैं चाहता हूं कि जो इससे पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आप जरूर बताएं, कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही हम लोग करेंगे, आगे भी मैं पार्ट टू भी लेने वाला हूं, पहले इसके आंसर बताइए जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutech.co.in पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे, ठीक है, या आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहां से आपको एडुटेप की तरफ से खुद ही कॉल आ जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं www.edutech.co.in पर। तो आज की क्लास में इतना, स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग, थैंक्स।